नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ दिव्या। और हम जो सब्जेक्ट लेकर के आए हैं उसका नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम बात करेंगे बास्केटबॉल को लेकर के। बास्केटबॉल क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन में बास्केटबॉल की क्या कुछ इम्पॉर्टेंस है, बास्केटबॉल में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जिनका होना बेहद आवश्यक होता है, किस तरीके से हम बास्केटबॉल को खेलते हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं, तो इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सुझाव है, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है cit.kishoremanch@gmail.com। देखिए, यहाँ भी बात नहीं होती है तो आप इस कार्यक्रम को YouTube पर जाकर भी लाइव देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को YouTube पर लाइव देखने के लिए आप टाइप करेंगे NCERT Official। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप YouTube के माध्यम से इस लाइव कार्यक्रम में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सभी प्रश्नों का उत्तर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लगातार एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के बने हुए हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए और ताकि आप पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बास्केटबॉल आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ उसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, बास्केटबॉल का खेल जो है बड़ा पुराना खेल है, बहुत ही पॉपुलर गेम है। हम हालांकि ये जानते समझते हैं कि फुटबॉल का जो खेल है वो बड़ा पॉपुलर है और बहुत सारे बच्चे उसके प्रति आकर्षित हैं, लेकिन एक फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, दूसरा है एंड्योरेंस। तो बास्केटबॉल का जो खेल है इसके अंदर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की जो एबिलिटी है उसको मिला के पावर बनती है। ये तीनों कंपोनेंट बड़े अच्छे से बच्चों में, बड़ों में, किसी भी एज ग्रुप में डेवलप किए जा सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ बास्केटबॉल खेल की महत्ता आज के समय में, जिस समय पर फिजिकल फिटनेस इम्यूनिटी से भी रिलेट हम करते हैं, फिजिकल फिटनेस वेलनेस के साथ हम वेल बीइंग की बात करते हैं, तो बास्केटबॉल की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, अगर मैं बात करूँ कि बास्केटबॉल खेलने के लिए क्या कुछ जो हमारी स्किल्स होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जी, बास्केटबॉल जो है एक एम्बिडेक्स्ट्रस खेल है। एम्बिडेक्स्ट्रल का मतलब होता है दोनों साइड, यानी आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है और वाइसी वर्सा, इसी तरह से बास्केटबॉल के अंदर दोनों ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होने, एक्टिविटी के माध्यम से, ड्रिल्स के माध्यम से, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स बॉल कंट्रोल के इन्वॉल्व्ड हैं, उसके अंदर जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, आई फुट कोऑर्डिनेशन है, बैकवर्ड रनिंग, साइडवेज रनिंग, तो जो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इस खेल के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं उससे हमारे जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो जबरदस्त तरीके से इसमें डेवलप होता है। जी, अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल की हिस्ट्री को लेकर के, तो क्या कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। जी, मैं PPT के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड में देख पाएंगे, फर्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, ओके, थैंक यू। तो जो क्लास 11th के सिलेबस की यदि बात करें तो वो है हमारा बास्केटबॉल यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब है जो अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है, अडेप्टेड बास्केटबॉल है, जिसको हम थोड़ा सा रूल्स में, रेगुलेशंस में, स्किल्स में मॉडिफाई करने के बाद हम स्पेशल चिल्ड्रन को बताते हैं, सिखाते हैं। लेकिन किसी की शारीरिक क्षमता से उस व्यक्ति का मानसिक विकास या उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या जितना भी वो डेवलपमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। साइको सोशल डेवलपमेंट भी इससे, क्योंकि टीम गेम है, तो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था थोड़ा सा हिस्ट्री स्लाइड्स के माध्यम से, कि जो बास्केटबॉल का वैसे गेम है वो 1891 में अमेरिका में शुरू हुआ। जेम्स नाइस्मिथ
नाम के एक थिंकर साइंटिस्ट हुआ करते थे, उस समय पर एक टोकरी लटका दी जाती थी दीवार के ऊपर और बार बार जो है जब बॉल उसमें अटक जाती थी तो उसे निकाला जाता था। अब धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1936 यानी 1936 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस गेम को ओलंपिक्स में रिकॉग्निशन दी, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने का था कि जो अमेरिका के अंदर श्वेत अश्वेत के बीच में लड़ाई झगड़े, यूथ के बीच में अनरेस्ट होता था, बास्केटबॉल के माध्यम से उनको एक ऐसा जरिया मिला कि वो खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर अपनी एबिलिटीज को शो करना, अपनी फिजिकल डोमिनेंस को, अपनी सोशल डोमिनेंस को शो करके वो एक खेल खेल में ही उन चीजों की उनको सेटिस्फेक्शन मेंटल और फिजिकल मिल जाती थी। तो ये एक चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी का काम भी करता था। तो जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं अपनी के धीरे धीरे ये खेल जो है 5x5 बास्केटबॉल से शुरू हुए, आज की डेट में यदि आप अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन देखें तो अब 3x3 बास्केटबॉल जैसा आप देख सकते हैं। इसी तरह से स्पीड ड्रिबल का एक इवेंट होता है जो कि रिक्रिएशनल गेम में आता है, इंडिविजुअल स्किल कॉन्टेस्ट भी इसके अंदर होते हैं। आपने देखा होगा ट्रेम्पोलिन के ऊपर बच्चे पावर जंप लेकर पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर डंक करते हैं। इसी तरह से टीम स्किल्स बास्केटबॉल जिसके अंदर की थोड़ा थोड़ा रूल्स को हम चेंज करके उसको थोड़ा रिक्रिएशनल, जॉयफुल, इंजॉयबल, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट का जमाना है और लोग भी जो जितना ज्यादा जो गेम अट्रैक्ट करता है उनको एडवर्टाइजर्स को, जितना ज्यादा वो गेम अट्रैक्ट करता है देखने वालों को उतना ज्यादा टीआरपीज भी मिलती है। तो इट्स अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल विच हैज ग्रोन अलोंग विद बास्केटबॉल। तो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है बास्केटबॉल के अंदर उसको हम बड़े ध्यान से ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए फिजिकल फिटनेस के जितने भी हमारे 5 कंपोनेंट हैं जिसमें स्पीड, स्किल, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में जैसे हमारा बॉडी कंपोजिशन है, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपनी ट्रेनिंग को प्लान करते हैं, गोल सेट किए जाते हैं। हर कैटेगरी, हर एज ग्रुप वुमेन के लिए अलग है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अलग गोल सेट किए जाते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग एक शब्द आता है कि हम माइक्रो लेवल पे यानी एक हफ्ते का प्लान तैयार करते हैं, फिर हम 3 हफ्ते का प्लान लगभग जिसे हम कह देते हैं, एक महीने का भी प्लान हम कह देते हैं और फिर एक पूरा ईयरली प्लान होता है कि हमारा बच्चा हमारे पास क्लास मान लीजिए 10वीं में आया है तो 11वीं तक हम उसके कौन कौन से स्किल को डेवलप करके हम उसको असेस कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर वो अच्छा प्लेयर नहीं भी बन सका तो कम से कम एक गुड सिटीजन बन सके, उसके अंदर नियम कानूनों को समझने की, उनको ओबे करने की, और कुछ नहीं तो अगर अच्छा अनाउंसर ही बन जाए उसमें स्किल जो है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने भीतर के स्किल्स को किसी भी तरीके से निकाल सकता है, उसको हम एज ए कोच, एज ए ट्रेनर भी हम आइडेंटिफाई करके उसको, उसकी एनर्जी को, उसके स्किल्स को, उसके टैलेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिक्वायरमेंट होता है बास्केटबॉल के लिए। देखिए शुरू में ये खेल बहुत कॉस्ट इफेक्टिव खेल था लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है और हर देश चाहता है कि हमारा मेडल आए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, सिर्फ सरफेस की बात कर लीजिए आप, पहले केवल जो है ये प्लेन सैंड सरफेस पे खेली जाती थी, अब ये कंक्रीट सरफेस के ऊपर खेले जाने लगी, बट रिसेंटली पिछले 5 या 7 साल के अंदर सिंथेटिक सर्फेसेज आ गए हैं। अब ये सिंथेटिक सर्फेसेज में भी बहुत तरह की क्वालिटी आ गई है, यानी कि आप यदि उस पर्टिकुलर सरफेस पे ट्रेनिंग या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ओलंपिक में आप जब इमीडिएटली पहली बार उस सरफेस के ऊपर पैर डालोगे तो आप स्लिप कर जाओगे, आप बैलेंस ही नहीं मेंटेन कर पाओगे, बॉल का जो बाउंस होता है वो बाउंस ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, करोड़ों अरबों रुपया इंडोर गेम है, इसीलिए आउटडोर गेम भी नहीं है, तो इंडोर गेम के चलते और डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेज की क्वालिटी चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा
बॉल का साइज, बॉल का टेक्सचर चेंज हो गया है, फिर क्या होता है जो प्रोफेशनल बास्केटबॉल है वो अलग बास्केटबॉल है, जो हमारी रेगुलेशन बास्केटबॉल है इंडिया में खेली जाती है वो एक अलग बास्केटबॉल है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं, जैसे सतनाम सिंह का नाम सुना होगा आपने, वो एनबीए जूनियर और एनबीए सीनियर के अंदर भी खेल चुके हैं, तो करोड़ों अरबों का ये गेम हो गया है, तो इसलिए हर देश टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपने आप को आगे रखना चाहता है, अपने प्लेयर्स को क्लब वाइज खिलाकर क्लब की चैंपियनशिप से फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जाना, और ओलंपिक्स में भी आपने देखा है कितना नेक टू नेक फिनिश है, बिल्कुल लास्ट सेकंड के अंदर एक या दो बास्केट से गेम जीता और हारा जा रहा है। सो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इस खेल के अंदर कितना जरूरी हो गया। जी, जब भी हम बास्केटबॉल खेलना शुरू करते हैं तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, या काफी तरीके की जो एक्सरसाइज जी जिससे हमें रूबरू कराना होता है हमारे स्टूडेंट को जब हम बास्केटबॉल की उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं या प्रैक्टिस करा रहे होते हैं? गुड क्वेश्चन। मैं आपको अपनी स्लाइड्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें चेंज आया है। जैसे टेक्नोलॉजी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर ने और समय ने करवट बदली है, ऐसे ही एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक आती है। तो जो भी हमारी जनरल एक्सरसाइजेज हैं, वार्म अप एक्सरसाइज हैं, या जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू बास्केटबॉल हैं, उनमें भी चेंज आया है। वो चेंज कब आता है? जब एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो हमारे फंक्शनल एमआरआई के जो एपरेटस हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस, जो हमारी बाकी की मशीनरी है बायोमैकेनिकल एनालिसिस की, वो मूवमेंट को एनालाइज करती है कि किस तरह से कौन सी इंजरी किस एक्सरसाइज को करने से हो रही है। तो जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा चित्र के माध्यम से कि फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे कि फॉरवर्ड बेंडिंग जो है उसके अंदर कभी भी आपको कमर को स्लाउच नहीं करना। वो जो आपकी फॉरवर्ड बेंड इस समय पे, सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड जो आप कर रहे हैं, इसके अंदर हमेशा बैक जो है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी, जिससे कि आपके जो बैक के मसल्स हैं, जिनको हम फ्लेक्सर्स कह देते हैं, जिनको हम इरेक्टर स्पाइने कह देते हैं, वो आपके इंजर ना हो, पॉस्चर खराब ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि जो स्पोर्ट्स का पर्पस है, जो एक पर्टिकुलर पॉस्चर का टेक्निक का पर्पस है, वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो काफ स्ट्रेच है उसके अंदर आपके जो टोज हैं और जो आपकी हील है, वो जब आप हील को पुश करते हैं ग्राउंड की तरफ एक सपोर्ट लेने के बाद, तो वो दोनों के दोनों एक सिंगल लाइन में रहने चाहिए। इसी तरह से मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस बताना चाहूंगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वार्मिंग अप कुछ एक्सरसाइज है हमारी, जिसके अंदर की हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं बहुत सारी, जैसे जॉइंट मोबिलिटी में नेक रोटेशन है, हालांकि नेक में रोटेशन नहीं होता है, सर्कमडक्शन हम टेक्निकली कहें तो होता है, शोल्डर रोटेशन है हमारा, जो सर्कमडक्शन इन द रिस्ट जॉइंट है, इसी तरह से हिप रोटेशन एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करते हैं, छोटी छोटी हाई नी एक्शन की एक्टिविटीज, जैसे बैक किक आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसी तरह से हम लंजेस जो होते हैं हमारे, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों तरह के लंजेस, ताकि हमारे जो फ्रंट थाई के मसल्स हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो हमारी रेसिप्रोकल इनर्वेशन है, यानी कि फ्रंट मसल अगर टेंस हो रहा है तो बैक मसल जो उसका है, उसका एंटागोनिस्ट जो मसल है हैमस्ट्रिंग, उसे रिलैक्स भी करना है, उसे स्ट्रेच भी करना है। तो इस एबिलिटी को हमें गेम स्पेसिफिक बास्केटबॉल के हिसाब से डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज विद करेक्ट टेक्निक, जो कि एक ट्रेंड कोच ही बता सकता है, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। वरना क्या होता है कि एक बर्नआउट सिंड्रोम बच्चों में, यंग बच्चों में, जब वो गलत एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी गेम छोड़ जाते हैं इंजरी की वजह से, इंजरी प्रिवेंशन के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें हमारे आज की जनरेशन की, यंग चिल्ड्रंस की, अगर हमें उन्हें बास्केटबॉल की तरफ आकर्षित करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, और हम कैसे उनको पार्टिसिपेट करवाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यंग चिल्ड्रन हैं वो बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करें? थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू दी वंडरफुल कवरेज, जितने भी भारत ने भी सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं उन सबको धन्यवाद करना चाहिए हमें, हम अक्सर हाथ जोड़ते ही हैं, तो वो एक्चुअली हम सैटेलाइट्स को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद करते हैं कि टेक्नोलॉजी और उसकी जो कैचमेंट एरिया है जिसे हम कहें बहुत वाइड हो गई है। तो डिजिटल इंडिया का धन्यवाद है गवर्नमेंट का भी कि
हर तरह के गेम्स, हर तरह के इवेंट्स जो हैं वो पूरे देश में आपकी लाइव भी आ रहे हैं और उनकी स्पॉन्सरशिप के कारण उनके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस किए गए हैं कि स्पॉन्सर्स को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं इंडियन कबड्डी लीग, इंडियन बैडमिंटन लीग और आईपीएल, इसी तरह से बास्केटबॉल लीग भी इंडिया में काफी पॉपुलर हुए हैं। तो जहां भी जगह जगह देश के अंदर एनबीए जूनियर के नाम से स्कूल लेवल पर कैंप्स लगते हैं, तो अभी तक ये वहीं पर तक सीमित हैं जहां पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि महंगा गेम है, बास्केटबॉल कोर्ट वहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी, मैंने बहुत से स्कूलों में ऐसे बास्केटबॉल के कोर्ट और अच्छी टीमें देखी हैं जो एनबीए जूनियर खेलते खेलते धीरे 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 जो है बच्चे और गेम्स में भी पारंगत हो रहे हैं। जैसे जो बच्चा बास्केटबॉल अच्छी खेलता है उसकी जंप अच्छी होती है, लोअर बॉडी पावर अच्छी होती है, तो वो बच्चा वॉलीबॉल में भी ऑटोमेटिकली अच्छा मिलता है। इसी तरह से वो बच्चा कॉर्फबॉल में भी अच्छा होता है। तो इसे हम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, यानी कि अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर एबिलिटी है तो आप कई गेम में नेशनल स्टेट लेवल तक तो इजिली खेल पाते हैं। तो ये जो चीज है जिसके अंदर की एक स्किल से कई स्किल और एक पर्टिकुलर टैलेंट से कई जगह आप जा सकते हैं, कई जगह आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ये बच्चों को अट्रैक्ट करता है इस गेम की तरफ। फिर इसके साथ आपने देखा होगा चीयर लीडर्स, जब भी बास्केटबॉल का गेम होता है बीच में चीयर लीडर्स आते हैं, म्यूजिक चलता है, एक पूरा माहौल बनता है जी। तो ये जो माहौल क्रिएट होता है ये बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, जिसे वो सो कॉल्ड ग्लैमर कहते हैं। तो बास्केटबॉल स्पोर्ट्स ये एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल बन के आया है, और ये केवल स्पोर्ट्स ही नहीं रह गया, हालांकि इसके कोर में तो स्किल ही है। आज की डेट में जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल के भारतीय या विदेशी खिलाड़ी हैं, उनको बच्चे आइडलाइज करते हैं, उनके नाम की जर्सी पहनते हैं, तो वो अपने आप में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑफ सेंस ऑफ पैशन बच्चों का शो करता है कि बास्केटबॉल का गेम कितना ज्यादा डेवलप हुआ है। एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू द वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, बाय द मीडिया पीपल और बाय द मनी, बाय द CSR फंड्स के, ये गरीब बच्चों में भी छोटी जगहों में, क्योंकि छोटा एरिया चाहिए बास्केटबॉल के लिए, केवल 28 मीटर बाय 15 मीटर का कोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए। तो ये जन जन में, छोटी जगहों में, पहाड़ों में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिलेंगे। तो ये काफी पॉपुलर हो रहा है, बच्चे इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। जब भी हम बास्केटबॉल खेलना शुरू करते हैं, या फिर मैं बात करूं कोई भी गेम खेलना शुरू करते हैं, तो बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत आवश्यक होता है। तो कितने प्रकार की स्ट्रेचिंग होती है, कितने तरीके से बच्चे बॉडी को स्ट्रेच करें, ये तो हमारा स्टूडियो का सेटअप है, लेकिन मैं चाहूंगी कि बाय नेम उनको एक एक करके अगर आप एक्सप्लेन करें। हाँ। अगर हम यहाँ पर उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं दिखा पाएंगे तो मैं चाहूंगी बाय नेम आप उनको एक एक चीजें एक्सप्लेन। वेरी गुड क्वेश्चन दिव्या जी, मैं इसको थोड़ा स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि ये कुछ स्ट्रेचिंग, जैसे आप देख सकते हैं, मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ मैं देख पा रहा हूँ जी। तो होता क्या है, कोई भी जो मोबिलिटी एक्सरसाइज हम करते हैं सबसे पहले वो वार्मिंग अप एक्सरसाइज हमारे को तैयार करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, ताकि हम फर्दर जो स्ट्रेचिंग है वो कर पाए। अब देखिए ये वार्मिंग अप के बाद की स्ट्रेचिंग है, एक स्ट्रेचिंग होती है जब आप लास्ट में अपना गेम खत्म कर लेते हैं तो स्ट्रेचिंग होती है, ये वाली स्ट्रेचिंग है प्रिपरेटरी स्ट्रेचिंग। तो ये इसमें जो भी मूवमेंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे बाइसेप फेमोरिस है, क्योंकि बास्केटबॉल के अंदर क्या होता है आपको हाथ ऊपर उठाकर शूट करना रहता है जी। तो आपके जो बाइसेप फेमोरिस हैं और आपके जो बाइसेप हैं, आपके जो ट्राइसेप फेमोरिस हैं, आपके जो आर्म के मसल हैं, रिस्ट के मसल्स हैं, स्मॉल मसल्स हैं, ये सारे के सारे मसल जो हैं इनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होना बड़ा जरूरी है, जिससे कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, बनी रहे। इसी तरह से आप सेकंड पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा एडवांस एक्सरसाइज है, वो शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मीडियल लाइन की तरफ जो है एल्बो को पुल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं शोल्डर स्ट्रेच। थर्ड तरह की एक्सरसाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन के अंदर, इसके अंदर हम दोनों हाथों को क्रॉस करते हैं, जिससे कि दोनों हाथों की शोल्डर की जो एक दूसरे के प्रति तालमेल है वो डेवलप होता है और वो डायनेमिक है। आप देख रहे होंगे क्रॉस कर रहे हैं दोनों के दोनों शोल्डर्स। इसी तरह से फिर हम आते हैं टॉर्सो, टॉर्सो यानी कि साइडवेज बेंडिंग, एक होता है ट्विस्टिंग, एक होता है साइडवेज बेंडिंग। फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देख सकते हैं, इट इज फॉर द डेल्टॉइड मसल मीडियल। जैसे हमारे डिफरेंट मसल होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो बिग मसल होते हैं वो एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, तीन प्रकार की पोजीशन मसल की लोकेशन होती है। मसल का हर एक का एक ओरिजिन और इंसर्शन रहता है।
ठीक है। इसी तरह से हम धीरे धीरे अपर से लेकर लोअर बॉडी तक के मसल को बास्केटबॉल के लिए जो ज्यादा इन्वॉल्व है हमारे, जैसे बास्केटबॉल के अंदर अक्सर झुककर आपको ड्रिबल करना होता है, बॉल कंट्रोल चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होती है, तो जितना भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्पेसिफिक टू बास्केटबॉल है वो हमारी मसल की एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, और ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आज की डेट में विदाउट बॉल नहीं होती है। आप ध्यान रखिएगा कि पहले दिन से जब बच्चा आता है वो एक्चुअली बास्केटबॉल खेलने आता है, हम उसको हाथ में बॉल पकड़ा कर ही स्ट्रेचिंग कराते हैं, चाहे वो लेफ्ट कर रहा है, राइट कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है, साइड में ट्विस्टिंग कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, बैकवर्ड कर रहा है, हाथों को ऊपर उठा रहा है, बैकवर्ड बेंडिंग कर रहा है, तो विद बॉल, ताकि एक किनेस्थेटिक सेंस बच्चे में डेवलप हो कि उसको कैसे बॉल को फील करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, प्रोटेक्ट करना है, रोटेशन करना है, पिवट करना है, ये सारी एक्टिविटीज स्ट्रेचिंग के अंदर, स्पेसिफिक बास्केटबॉल स्ट्रेचिंग के अंदर हमारी एक्टिविटीज आते हैं। जी, अगर मैं बात करूं कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की बास्केटबॉल में, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर कुछ तो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं कि यदि बच्चे का फ्रेम यानी उसका जो स्टेचर है वो अगर टॉल है बच्चा, अपनी नॉर्मल ग्रोथ से अगर उसकी हाइट बेटर हो रही है, तो शुरू से ही हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है, जेनेटिक उसका जो प्री डिस्पोजिशन है, पेरेंट्स भी लंबे हैं, हम हाइट प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं उनसे, तो हम कोशिश करते हैं शुरू से ही बच्चे के अंदर जूनियर लेवल से, क्लास पांचवीं छठी सातवीं से, ऐसी कुछ रिक्रिएशनल एंजॉयबल एक्टिविटीज डाली जाएं कि ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो बास्केटबॉल के लिए तैयार हो सके। धीरे 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 क्या होता है कि एक तो जेनेटिक मेकअप हो गया, दूसरा न्यूट्रिशन अगर अच्छा है बच्चे का, हाइट के साथ न्यूट्रिशन अच्छा है उसका, और साथ साथ उसका जेनेटिक्स भी अच्छा है, साथ साथ वो बच्चा जो है बास्केटबॉल खेलने में भी इंटरेस्ट शो करता है, तो एक इंटरेस्ट भी आ गया, एक बच्चे का जेनेटिक भी आ गया, तो तीनों चीजें मिलाकर अगर उसे सिर्फ माहौल दिया जाए, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो एक बच्चे के अंदर फीलिंग आती है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। तीन बड़े इंपॉर्टेंट लॉ हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट में क्या होता है, पहली बार जब बच्चा टॉल बच्चा बॉल पकड़ के जब दौड़ता है ड्रिबल करके, तो और बाकी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं उसके मुकाबले हाइट में, वो उससे बॉल नहीं छीन पाते, तो उसको एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है, तो वो क्या करता है बार बार उस गेम को खेलने की कोशिश करता है। तो क्योंकि टॉल गेम है, टॉल लोगों का गेम है, 5 फुट 10 इंच से ऊपर के बच्चे सारे होते हैं, विदेश की टीमें देखें तो 6 फुट 3 इंच से नीचे होता ही नहीं है कोई प्लेयर, तो ये जो हाइट होती है इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि हम हाइट बढ़ा दें। जो बच्चा नेचुरली हाइट में अच्छा है उसकी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसकी एंड्योरेंस को हम डेवलप कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग के माध्यम से। तो जो बच्चे का फ्रेम साइज अच्छा है, उसकी हाइट अच्छी है, उसके अंदर स्किल जो डेवलपमेंट का काम है वो एक अच्छा कोच बड़ी आसानी से कर पाता है, तो आधा काम हमारा हाइट की वजह से हो जाता है, बाकी सारा जो काम है 90% वो हम बच्चे के अंदर स्किल के माध्यम से टैलेंट आइडेंटिफाई करके, उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो मेजर करके, उसको अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा के, न्यूट्रिशन अच्छा करके एक अच्छा प्लेयर बनने में हम सपोर्ट दे सकते हैं। बाकी स्काई इज द लिमिट। एक बार अगर आपकी हाइट 5 फुट और मान लीजिए 10 इंच भी है, लेकिन अगर आपके लोअर बॉडी में जान पावर अच्छी है और आपका जंप अच्छा है, तो 10 फुट की हाइट पे होता है रिंग, ठीक है ना, 3.05 मीटर की हाइट पे, तो आप इमेजिन करिए अगर बच्चा 6 फुट का भी है और 3 फुट या 3.5 फुट उसका जंप है, तो आप इमेजिन करिए वो एक ही जंप के अंदर बॉल को सीधा डंक कर सकता है, रिंग तक पहुंचा सकता है। तो हाइट का जो इंपॉर्टेंस है और जो लोअर लेग्स की पावर का जो कंपोनेंट है, ये दो तरह के चीजें हम अक्सर बच्चों के अंदर चेक करते हैं कि जिसकी लोअर लेग में पावर अच्छी है और हाइट अच्छी है वो हमारे लिए टैलेंट है बच्चा। जी, ग्राउंड पे उतरने से पहले क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिस प्लान्स होते हैं एक बास्केटबॉलर के लिए, उसके बारे में बताएं। जी, तो मैं ये आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा जी, कि हम जो एक ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, ट्रेनिंग प्लान का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले बताया, माइक्रो, मैक्रो और मीसो, तीन तरह से हम ट्रेनिंग प्लान को डेवलप करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्लान आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उस ट्रेनिंग प्लान के अंदर हम शुरू में वार्मिंग अप एक्सरसाइज कराते हैं 7 मिनट की। ये मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन बास्केटबॉल का कैसे प्लान किया जाता है। 5 या 7 मिनट का वो वार्मिंग अप स्पेसिफिक से लेके जनरल वार्मिंग अप का सेशन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं,
जो भी हमारी उस दिन की ड्रिल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसके अंदर की फुटवर्क है, बैकवर्ड रनिंग है, साइडवेज रनिंग है, विद बॉल विदाउट बॉल, थ्री मैन वीव है, टू मैन वीव है, पास एंड गो है, गिव एंड गो है, और सिक्स मैन वीव है, उसके अलावा छोटे 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 हम रिक्रिएशनल गेम्स या फन गेम्स भी उसके अंदर, चेजिंग है, चेज द चेजर है, चेज द रनर है, और बैकवर्ड रनिंग है, फिर हम कोन्स का इस्तेमाल करते हैं, कोन्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रख के हम फुटवर्क इंक्रीज करने के लिए ड्रिबल करते हुए बैकवर्ड जिगजैग रनिंग करना, फॉरवर्ड जिगजैग रनिंग करना, वन लेग अप वन लेग डाउन, टू लेग हॉप वन लेग हॉप, साइडवेज हॉप, जिगजैग रनिंग इन द फ्रंट विदाउट बॉल, होल्डिंग द बॉल एट द चेस्ट लेवल, कीपिंग द बॉडी बेंट जिससे कि हम बॉल को प्रोटेक्ट करना सीख, ये सारी डिफरेंट 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 ट्रेनिंग के ड्रिल्स हम कराते हैं। अब ये सारी की सारी ड्रिल्स में पासिंग भी इन्वॉल्व है, कैचिंग भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर ड्रिबलिंग बाउंसिंग भी अलाउड है, इसके अंदर साइडवेज फुट रनिंग भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर रोलिंग द बॉल वाइल कीपिंग योर बॉडी बेंड भी इन्वॉल्व है। तो डिफरेंट 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 ड्रिल्स हम कराने के बाद बच्चा जब तैयार हो जाता है तो फिर हम उस बच्चे को एक फॉर्मल गेम खिलाते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया किसी भी ट्रेनिंग शेड्यूल का, जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, हम इक्वल स्किल के तीन तीन के दो ग्रुप बना देते हैं, या पांच पांच के दो ग्रुप बना देते हैं, या अगर ज्यादा बच्चे हैं 20 बच्चे हैं तो दो बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से हम उनको एक पर्टिकुलर गेम खिलाते हैं ताकि वो थोड़ा सा जो टाइट रेजीम है उससे फ्री भी फील करें कि हाँ भाई अब हम अपना जो भी हमने सीखा, हमने ड्रिबलिंग सीखी, पासिंग सीखी, शूटिंग सीखी, उसको हम गेम में कैसे यूज करते हैं। तो वो इसलिए भी जरूरी है हर रोज हमारी ट्रेनिंग ड्रिल के अंदर। कई बार क्या होता है बच्चा इंडिविजुअल ड्रिल्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जब उसे कंपटीशन मिलता है अपने साथ के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है, उसे हम कहते हैं चाइल्ड इज ए टीम प्लेयर। और कई बार होता है चाइल्ड इज ए बेंच प्लेयर, कहने का मतलब कि वो जब तक कोर्ट में जैसे ही उसको गेम खिलाओ तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है, लेकिन जब बाहर बैठता है तो वो इंस्ट्रक्शंस बड़ी अच्छी देता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, यानी कि उसके अंदर प्लानिंग स्किल तो है लेकिन खुद एग्जीक्यूट करने का स्किल नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर फिर हम एक जॉयफुल गेम्स हैं हमारे बहुत सारे, जैसे टनल बॉल है, डॉज बॉल है, इसी तरह से जो टैप द बॉल ड्रिबलर है, डॉग एंड बोन है, आइस एंड वाटर है, इस तरह के ऐसे स्पेसिफिक रिक्रिएशनल गेम्स जिसके अंदर की बास्केटबॉल से रिलेटेड थ्रोइंग, कैचिंग, चेजिंग, ये सारे गेम्स इन्वॉल्व हैं। इनडायरेक्ट वे में हम बच्चे को जॉयफुल मेथड से, जॉयफुल लर्निंग के मेथड से उन्हीं स्किल को सिखाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग शेड्यूल जो हमारा 45 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक का, बहुत ज्यादा लोड हम बचपन में नहीं देते हैं, सेवन्थ एट्थ से नाइन्थ में, उसके बाद जरूर दो दो तीन तीन घंटे की हमारी ड्रिल्स रहती हैं जो बहुत ही टायरिंग ड्रिल्स भी होती हैं। और इनका जो लोड होता है जिसे हम कहते हैं, वो लोड हमारा डिपेंड करता है कि कौन सी साइकिल चल रही है। अगर ऑफ सीजन ट्रेनिंग साइकिल है तो हम फन गेम्स, रिक्रिएशनल गेम्स पे ज्यादा जोर देते हैं। अगर हमारा प्रिपरेटरी फेज है तो उसके अंदर हम ऑफ सीजन आउट ऑफ द कोर्ट ड्रिल्स, जैसे कभी ट्रैकिंग पे चले गए, कभी उस पे चले गए, कभी कोई वॉलीबॉल खेलने लग गए, यानी कोई ना कोई दूसरा वॉलीबॉल गेम जिसका संबंध बास्केटबॉल से ही रहता है, ऐसा गेम हम खिला के कभी कबड्डी खिला दी, कभी रेसलिंग करा दी, ताकि उनकी जो मसल है, उनकी जो बॉडी है वो एक्टिवेट रहे, उनको एक आदत पड़ी रहे कि हाँ भाई मुझे फिजिकल वर्कआउट इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में करना ही करना, उस पर हम फिर जोर देते हैं। कंपटीशन से पहले जो है वो हम बहुत ज्यादा टेक्निक और टैक्टिक्स के ऊपर कि किस तरह से आप गेम की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ओपन गेम है, आपको नहीं पता आपने क्या प्लानिंग की है, सामने वाली टीम क्या प्लानिंग करके आई है, उसी टाइम आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ सकता है अपनी गेम की स्ट्रेटजी को। तो जो डिफरेंट डिफरेंट बास्केटबॉल में पोजीशंस होती हैं, जो टॉल प्लेयर होते हैं जैसे वो पॉइंट गार्ड खेलना, जो सेंटर खेलना पसंद करते हैं, पावर फॉरवर्ड खेलना पसंद करते हैं, उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से ड्रिल्स दी जाती हैं। इसी तरह से अगर ड्रिबलर है, पॉइंट गार्ड है, फीडर जिसे भी हम कह देते हैं, उसको उसकी तरीके से ड्रिल दी जाती हैं। और इसी तरह से जो हमारे बाकी की पोजीशन है, प्लेयर पोजीशन, पांचों की पांचों पोजीशन, स्मॉल फॉरवर्ड है, पावर फॉरवर्ड है, पॉइंट गार्ड है, शूटिंग गार्ड है और सेंटर है, उनको उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देते हैं, उसी हिसाब से हाइट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, पावर के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट करके हम उनको उस गेम के अंदर ट्रेनिंग शेड्यूल उनका एक हो गया टीम के साथ, एक हो गया जनरल, एक हो गया स्पेसिफिक। सो अकॉर्डिंग टू देयर अबिलिटीज देन वी गिव देम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग शेड्यूल्स। इसके अलावा जो जनरल कंडीशनिंग है, जैसे एक्सरसाइज करके अपना वार्म अप करना,
टीम के साथ एक दूसरे के साथ स्ट्रेचिंग करना, पासिंग हो गई, ये ड्रिल्स जो हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होती ही हैं, ये इनबिल्ट हर एक गेम में रहती है। शूटिंग है, जैसे लास्ट के 15 मिनट में हम अक्सर बॉल पकड़ा देते हैं, बच्चों को कहते हैं बड़ा फेंको बॉल को, आप प्रॉपर टेक्निक हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि टेक्निक का सही बच्चा इस्तेमाल करे, प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस उसका होना चाहिए, ड्रिबलिंग के अंदर बॉल कंट्रोल और बॉल हाथ की पोजिशन ठीक होनी चाहिए, एल्बो की पोजिशन ठीक होनी चाहिए, तो वो बायोमैकेनिकल एनालिसिस जो है वो कोच को करते रहना पड़ता है ताकि कोई भी गलत टेक्निक बच्चा सीख कर कहीं ऐसा ना हो अपने आप को इंजर कर ले या वहां पर गलत टेक्निक की वजह से बॉल उसके हाथ से निकल जाए। तो ये चीजों का पूरे एक ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर हम प्लान करते हैं, वीकली, मंथली और एनुअली। जी, क्या कुछ ऐसी एज ग्रुप होती है, कोई ऐसी फिक्स एज ग्रुप है जिससे कि बास्केटबॉल बच्चा खेलना शुरू कर देता है? देखिए इसके अंदर या फिर हम देख कह सकते हैं कि सही एज ग्रुप क्या होती है जिस समय बच्चा बास्केटबॉल खेलना शुरू करे तो? मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा जब तक बॉल हाथ में हैंडल करके थ्रोइंग और कैचिंग करता है, और मुझे लग रहा है एक दो साल का बच्चा इतना एक्टिविटी कर पाता है, चाहे वो उस पर्टिकुलर कैचिंग और थ्रोइंग को बड़े प्रोफेशनल तरीके से ना कर पा रहा हो, किसी तरीके से ट्रैप करके उठा रहा हो, तो हम ये समझते हैं कि हाँ इसके जो हाथ हैं, उसकी जो फिंगर्स हैं, वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। कहने का मतलब कि एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि बच्चा बॉल को उठा के अपनी बॉडी के पास ले आता है। दूसरा बच्चा ऐसा होता है जैसी बॉल उसके पास आती है तो वो लात मार देता है, तो हम ये कहते हैं भाई ये फुटबॉलर बनेगा। तो बास्केटबॉल के अंदर भी ना हम जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, हम लोग ये देखते हैं कि एक बच्चे की जो एबिलिटी है बॉल को पकड़ने की, अब बॉल भारी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कलरफुल भी हो सकती है, तो उसकी जो एबिलिटी है वो बचपन से ही हमें दिखाई देने लग जाती है कि ये बच्चा बॉल को कैचिंग, होल्डिंग और थ्रोइंग में अगर बहुत अच्छा है और प्रिसीजन है और उसको मजा आ रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बॉल उठाकर जो है वो दीवार के अगेंस्ट हिट करने लग जाते हैं, तो हमें ये लग जाता है कि यस दिस चाइल्ड कैन बी ए गुड हैंडबॉलर और अ बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये जो कहते हैं ना बचपन से ही एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, कोचेस की तो आंखें ऐसी होती हैं कि वो मतलब चाल से ही पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा किस तरह का प्लेयर कैसे डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। हालांकि ड्यूरिंग द एज ऑफ ग्रोथ ये स्वाभाविक है कि बच्चा एक खेल शुरू करेगा, उसमें नहीं टिकेगा, फिर दूसरे में चला जाएगा, फिर जंप करेगा, कहेगा मुझे रनिंग करनी है, कभी कहेगा मुझे स्केटिंग करनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कभी भी बच्चे को रुकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोजर बच्चे को दे सकते हैं आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को अल्टीमेटली बच्चा जिस गेम में अच्छा होगा, अगर वो बास्केटबॉल में अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी में आएगा, उसको याद रहेगा, और वही हमारे लिए जो नेचुरल टैलेंट है वही हमारे लिए बेस्ट टैलेंट होता है, और उसी को हम क्या करते हैं, हम पॉलिश करते हैं, निखारते हैं, उसके अंदर स्किल डेवलप करते हैं, टेक्निक और टैक्टिक्स। फिर यहाँ जो बास्केटबॉल का गेम है आजकल बड़ा ब्रेन का गेम है, दिमाग का, आपकी प्लानिंग कैसी है, दूसरी टीम की वीकनेस को पकड़ना, अपनी वीकनेस को छुपाते हुए दूसरे को ओवरपावर करके गेम को जीत लेना, ये अपने आप में एक जो स्किल होता है ये कोचेज में और जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं ये अक्सर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी इफेक्टिवली आप किसी भी हारे हुए गेम को भी जीत सकते हैं। टेक्निक ये भी होती है, जैसे टैक्टिक्स की अगर मैं बात करूं कि शुरू में अच्छे प्लेयर नहीं डालते हैं हम क्या करते हैं, स्कोर को रोकने का प्रयास करते हैं, जैसे ही थर्ड क्वार्टर के बाद फोर्थ क्वार्टर आता है सारे प्लेयर थक चुके होते हैं, हम अपने पूरी की पूरी टीम में नए प्लेयर डाल देते हैं, और वो जो होते हैं वो फ्रेश प्लेयर होते हैं, वो थके हुए नहीं होते हैं, तो वो जाकर क्या करते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ बास्केट स्कोर करके और जो है लास्ट मिनट के अंदर जो है वो लीड लेकर वो जीत जाते हैं। तो ये एक प्रकार की टैक्टिक्स हो गई जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर टेक्निक का, टैक्टिक्स का, ब्रेन का, प्लानिंग का, शेड्यूल का और पूरे सालों साल की मेहनत का एक ही गेम के अंदर आपका रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ कौन सी टीम कहाँ कितने कितना स्टैंड करती है। क्योंकि देखिए आप कुछ भी करिए, कितनी तैयारी कीजिए, लेकिन अगर आप जीतते नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। आपने जितनी मर्जी ट्रेनिंग की हो, एवरीबॉडी वांट टू सी के मुझे गोल्ड मेडल मिले, एवरीबॉडी वांट टू सी के विनर हो, एवरीबॉडी वांट्स कि आज की डेट में तो 50-50 लाख रुपया प्राइज मनी है। तो ये सारी चीजें नेम, मेम, फेम, मनी, ये सब बच्चों को, यूथ को अट्रैक्ट करती हैं। और आज की डेट में अडेप्टेड बास्केटबॉल की अगर मैं बात करूं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे बहुत पॉपुलर है ये गेम भी। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भारत के जो हमारे फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, जो हमारी टीम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जिनको चैलेंजेस है, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या लोअर बॉडी में व्हील चेयर बास्केटबॉल की, अगर दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड एंड द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग दीज गेम्स थ्रू पैरालंपिक्स गेम्स कमेटी,
तो ये आप देख सकते हैं कितना स्कोप हर व्यक्ति के लिए, हर एज ग्रुप के लिए। मास्टर्स मीट होती है, इसके अंदर 35 साल से ऊपर के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे विदेशों में, हमारे देश में भी 50-50 साल के लोग भी बास्केटबॉल को एंजॉय करते हैं। जब भी बास्केटबॉल में मैच होता है हमारी सामने वाली टीम के साथ और हम जाते हैं ग्राउंड पे उतरने वाले होते हैं, उससे पहले आते जाते ड्रेसिंग रूम में इधर उधर हम सामने वाली टीम को देखते हैं, मिलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है उस पर हम किस तरीके से काम करते हैं मैच के स्टार्ट होने से पहले, सो दैट कि हम सामने वाली टीम को मात दे पाए, किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने वही कहा कि ये जो प्लानिंग होती है ना जी, ये हम प्लेयर की पोजीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। सबसे पहला हम फैक्टर ये देखते हैं कि हमारी टीम की हाइट ज्यादा है या दूसरी टीम की हाइट ज्यादा है। जी, अगर हमारी टीम की हाइट ज्यादा है तो अक्सर ये रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी अपने सेंटर को और जो पावर फॉरवर्ड है उनको उनकी जगह पर हम प्लेस कर दें। होता क्या है, जब आपकी हाइट ज्यादा होती है तो आपके पास सीधा बॉल का पास आएगा, आप बॉल को पकड़ोगे और बॉल्स बास्केट को कन्वर्ट कर दोगे। तो ये जो अटेम्प्ट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बास्केट स्कोर करने के, ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आपकी टीम की हाइट ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी टीम में 5 प्लेयर होते हैं ऑन कोर्ट, अगर आपकी टीम में 3 स्पीड वाले प्लेयर नहीं है, यानी कि जिनका बॉल कंट्रोल अच्छा है, जिनका जो है पासिंग अच्छी है, जो कि तेज दौड़ सकते हैं, वो अगर अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको बॉल ही नहीं मिलेगी। तो अपनी टीम की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और दूसरी टीम की क्या वीकनेसेस हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्मॉल फॉरवर्ड जो है वो अच्छा शूटर नहीं है, तो होगा क्या कि उनकी टीम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि बॉल पोजीशन उस प्लेयर के पास आए जिसकी शूटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बॉल को शूट करेगा और उसकी बॉल जाएगी नहीं। इसीलिए आपकी जो रिबाउंडिंग एबिलिटी है वो भी हाइट पे डिपेंड करती है। अगला फैक्टर कि बॉल रिंग पे गई और बाउंस होकर वही पकड़ेगा ना जिसकी हाइट ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए कोशिश हमारी ये रहती है कि जो बाकी के स्किल हैं, जिसमें स्ट्रेंथ है, आपकी जंपिंग एबिलिटीज हैं, वो अच्छी हाइट के बच्चों के अंदर हम डेवलप करके अपनी टीम की स्ट्रेटजी को उस हिसाब से बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा हमें अटेम्प्ट मिले। तो जितने ज्यादा अटेम्प्ट आप लेंगे उतनी ज्यादा बॉल के रिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी रही बात एक्यूरेसी की, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। एक दिन में 3,000 बॉल एक बच्चा जो है जब तक शूटिंग नहीं करता तब तक उसके अंदर गेम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक कन्वर्जन नहीं होता। आप देखते होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जितने भी अटेम्प्ट होते हैं 90% 80% कन्वर्जन रेट है। वो इसलिए है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक प्लेयर की डाइट प्लान किस हिसाब से होनी चाहिए, इसके बारे में चलते चलते आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम सब फिजिकल फिटनेस और फिटनेस पे रह जाते हैं। न्यूट्रिशन जो कि पेरेंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसके अंदर, बल्कि मैं कहूँगा पेरेंट्स का ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो प्री गेम मील है हमारा, जैसे बास्केटबॉल, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ ए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पावर गेम। आप इमेजिन करिए कि एक बास्केटबॉल का जो बच्चा है जब वो कोर्ट पे खेलता है, टोटल जो ड्यूरेशन है हमारी 15-20 की जो ड्यूरेशन है हमारी, उसके अंदर लगभग 10 से 15 किलोमीटर रनिंग के बराबर वो अप डाउन करता है। तो इतनी पावर और इतनी स्पीड, इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर आपका हाइड्रेशन नहीं है, प्रॉपर आपका जो मेजर फ्यूल सोर्स है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट 60-70% आपकी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट में मतलब मैं चीनी नहीं कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी अलग अलग तरह के फ्रूट्स आपके, और स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर महिलाओं के लिए आयरन डेफिशिएंसी रहती है। होता क्या है, आयरन की कमी से ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बन पाती बॉडी के अंदर, नहीं कैरी कर पाती बॉडी, तो एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम जितने भी पोमेग्रेनेट है, आपका बीट रूट है, चुकंदर जिसे हम कह देते हैं, गाजर है, लाल रंग के जितने भी फ्रूट है हमारे, और ग्रीन वेजिटेबल जिसके अंदर भरपूर आयरन हो, उस तरह का न्यूट्रिशन बच्चों को जरूर लेना चाहिए। दिन में खिलाड़ी क्योंकि एक्टिव है, 2 घंटा सुबह प्रैक्टिस कर रहा है, 2 घंटा शाम कर रहा है, तो उसे दिन भर में 5 मील लेने बहुत आवश्यक हैं, अदर देन 3 स्टेपल डाइट्स हमारे जो मील है, मैं ये नहीं कह रहा चपाती दाल चावल छोड़ दीजिए, उसके अलावा कम से कम 3-4 सर्विंग अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की नहीं है तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपकी रिकवरी नहीं होगी, मसल में पेन होगा, रात को आप सो नहीं पाएंगे, सुबह गेम के अंदर आप गिर जाएंगे।
Therefore, nutrition is equally very, very important with 60 to 70% of carbohydrate, 10 to 15% protein and 5 to 10% body fat, fat अगर आप consume करते हैं वो भी अगर आप poly unsaturated fatty acids consume करते हैं जिसमें हमारा avocado आपने सुना होगा एक fruit एवोकेडो जो है सबसे ज्यादा कंटेंट उसमें फैट का होता है और वो बिल्कुल ही वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन न्यूट्रिशन वेजिटेरियन डाइट से बहुत अच्छी एनर्जी लेवल आपका आ सकता है। चुकंदर की मैं बात करूं तो उसके अंदर तो सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है बॉडी के अंदर वैसोडाइलेशन क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स में तो ज्यादा ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है हमारी। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ प्लानिंग के साथ साथ जो फ्यूल है वो एनर्जी है वो न्यूट्रिशन के माध्यम से भी खिलाड़ी उसका बड़ा ध्यान रखे और उसमें पेरेंट्स और कोचेस दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट में पानी कम से कम 6 से 7 लीटर पानी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग रिप्लेनिश करने के लिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो मसल रिकवरी जल्दी हो बहुत जरूरी है कि आप लगातार पानी भी पीते रहें ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर दी एक्सरसाइज। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए स्टूडियो में आने के लिए और इतना सारा मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण चीजों से अवगत करने के लिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर मंच पर लगातार लाइव कार्यक्रम का सिलसिला जारी है बाकी के विषयों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें किशोर मंच बने रहें किशोर मंच के साथ लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार।